It looks like chicken inside the water. Yeah. Paying 500 is worth here. No. Is it expensive? Yeah. It is. Come on, Brazilian girl, jump, swim with them. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं इस्तांबुल। हम लोगों ने बड़ी वाली गाड़ी आज रेंट पर ली है। मेरे सारे दोस्त अंदर बैठे हैं, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेरी वेल एक्साइटेड विद दिस अमेजिंग वन। आज बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, मौसम बहुत ज्यादा जो है ना आज रोमांटिक हुआ हुआ है। वी हैव अ न्यू फ्रेंड आल्सो विद अस, शकीरा फ्रॉम टुनिसिया। हेलो, ओले ले ओले ले। You can dance like Shakira. I'll try. Yeah. You know, where are we going today? Yeah, aquarium. Are you excited? We are gonna have a lot of fun, guys. इस्तांबुल में जो फिश एक्वेरियम है ना, बहुत बड़ा है और बड़ा मशहूर है। आज हम वो विजिट करने जा रहे हैं, तो बड़ा मजा आएगा। आज आपका भाई जो है ड्राइविंग करेगा, जरा पूरी एक किस्म की बस है, गाड़ी नहीं है ये। सो लेट्स गो। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हमारा रास्ता तकरीबन डेढ़ घंटे का है। हम लोग गाने सुनते हुए एंजॉय करते हुए इस्तांबुल जा रहे हैं। अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम लेट हो। इस्तांबुल में इतना रश है कि अभी हमें दो घंटे लग जाएंगे वहां पर पहुंचते हुए। इट्स सो क्राउडेड। अब हम लोग जो है तकरीबन दो से तीन घंटे गाड़ी चलाने के बाद अब फाइनली पहुंचे हैं इस्तांबुल एक्वेरियम। Floria area. Floria region in Istanbul is very rich region. There are rich people living here. So let's see how is Istanbul aquarium. Let's go. तो दोस्तों हम लोगों ने टिकट ले ली है। यहाँ पर अंदर एक्वेरियम में जाने की टिकट है 500 तुर्किश लिरा, लेकिन हमने कहा है कि हम स्टूडेंट्स हैं तो 450 तुर्किश लिरा की ये टिकट मिली है। ये एक्वेरियम बहुत ही बड़ा है, दो फ्लोर्स हैं इसके अंदर, 17,000 से ज्यादा मछलियाँ हैं अंदर, तो बड़ा मजा आएगा। देखते हैं आज किस किस तरह की मछलियाँ अंदर देखने को मिलती हैं। लेट्स गो। शकीरा, आर यू एक्साइटेड टू गो इनसाइड? शी विल बिकम अ मरमेड इनसाइड। अभी हम लोग ये फिश एक्वेरियम के अंदर आई हैं और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो एंट्रेंस के ऊपर ये बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। यहाँ पर जो है ये एक छोटा सा शिप इन्होंने बनाया हुआ है। अजीबो गरीब मुंह है इनके यार, कुछ मछलियों के तो मुंह भी बड़े अजीब से हैं। यहाँ पर ये ब्रोकली, ब्रोकली, या लुक लुक लुक, ओह माय गॉड, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो सी मोर, चलो चलो। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ा एक ये एक्वेरियम यहाँ पर बनाया हुआ है। ये नीचे तक जा रहा है और इस तरफ भी है। वाओ, दे लुक सो ब्यूटीफुल, लुक लुक एट दिस, लुक बिहाइंड यू, देयर आर लॉट ऑफ फिश हियर, वाओ, एंड इट्स सो डीप, वाओ, ओह माय गॉड, डू यू वांट टू जंप? कम ऑन जंप, कम ऑन ब्राजीलियन गर्ल, जंप, स्विम विद देम। अब हम आगे चलते हैं, लेट्स सी कि मजीद आगे कौन सी मछलियां हैं। हेलो फिश, व्हाई आर यू आउटसाइड द वाटर? बिकॉज़ आई कैन, आई एम मरमेड, यू नो। ओह मरमेड आउटसाइड ऑन ईसर। ये आप देख रहे हैं सारा का सारा एरिया जो है ना, इसके अंदर मछलियां ही मछलियां हैं। लोग यहां पर किनारे पे बैठ के जो है मछलियां देख रहे हैं। वाओ, सो बिग है, सो सो बिग, ओह माय गॉड, इमेजिन, आई नेवर एट वन ऑफ दिस, आई थिंक। लुक 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 दिस वन, वाओ, लुक एट दिस,
You're lucky. Wow. All of them come. Yeah, here. Guys, yeah. Do you like these fish? Yes, yes. Wow, they are so beautiful. ये जो आप मेरे पीछे सारा इतना बड़ा पूल देख रहे हैं ना, इस पूल के अंदर बहुत सारी मछलियां हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग नेशनल ज्योग्राफिया में आ गए और मैं स्कूबा डाइविंग कर रहा हूँ। यहाँ पर बैठ के जो है ना, आप घंटों इन मछलियों को देख सकते हो। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा रिलैक्सिंग सा फील होता है। ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी ये छोटी छोटी मछलियां हैं। चलो चलो, let's go. Look, look, guys, ये ऊपर भी मछलियां हैं सारी। Wow, it's so beautiful. ऊपर भी सारी मछलियां तैर रही हैं। What is here? Look. Oh my god. So long. I look crooked. Wow. It's like a snake. यहाँ पर भी लोगों ने एक छोटा सा पूल बनाया हुआ डेकोरेशन की तौर पर, और बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट है यहाँ पर। सब लोग जो हैं बड़ा लुत्फंदोज हो रहे हैं मछलियाँ देखकर। यहाँ पर इन लोगों ने एक्वामैन भी रखा हुआ, उसके साथ भी आप तस्वीरें ले सकते हो। Come on guys, let's take pictures with Aquaman. और ये देखो, हमारे सामने समुंदर के नजारे भी हैं। Do you like? I love them. The sea view is really beautiful. और यहाँ पर ना इन लोगों ने ये दूरबीन भी रखी हुई है, इसके अंदर आप 2 लीरा डालो तो आप जो है ये सारा का सारा समंदर का अच्छे से जो है नजारा ले सकते हैं। What do you see inside? Yeah, this ship. यहाँ पर आर्टिस्ट भी बैठे हुए हैं, ये आपकी जो है ड्राइंग बनाते हैं। Which looks so nice art. I can make your drawing. Okay, I'm waiting for it. अब हम लोग मजीद आगे जा रहे हैं। यहाँ पर जो है इन लोगों ने एक ये टनल सी भी बनाई हुई है, इसके अंदर भी लोगों ने रंगा रंग मछलियां रखी हुई हैं। ये देखो यहाँ पर ऐसे लगता है कि आप समंदर के अंदर घूम रहे हो इस टाइम। अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन का नाम है नॉर्थ पोल, जिसका मतलब है यहाँ पर ज्यादा ठंड होगी और ठंडी मछलियां होंगी। आर यू एंजॉयिंग गर्ल? यू आल्सो लुक लाइक एक्वा वुमन, एक्वा लेडी। पूरा का पूरा इन लोगों ने एक टनल बनाया हुआ है, ये देख सकते हो। इस टनल के अंदर जो है सारी तरफ मछलियां हैं, ऊपर भी मछलियां हैं। वाओ, तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर शार्क भी है, बहुत बड़ी शार्क, और उसके साथ ही छोटी छोटी मछलियां जो है ना। Have you seen such kind of fish before? Actually, no. यहाँ पर इन लोगों ने छोटी छोटी शॉप्स भी बनाई हुई हैं, जहाँ पर आप मुख्तलिफ स्नैक्स खा सकते हो, डिजर्ट्स खा सकते हो। बड़ी मजेदार सी जगह है, बड़ी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं यहाँ पर। चिकोलाता यहाँ पर जो है ना, आप बैठ के भी मछलियों को देख सकते हो। ऐसे लग रहा है कि आप सिनेमा में बैठे हुए और सामने आपके मूवी चल रही है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर इतनी बड़ी जो है ना वो शार्क फिश भी है, इतना करीब आ जाती है, ऐसा लगता है कि आपको अभी खा जाएगी। मौत के इतना करीब आकर जीने का अपना ही मजा है। यहाँ पर इन लोगों ने पेंगुइन भी रखे हुए हैं, देख रहे पीछे पूरा का पूरा जो पेंगुइन का घर बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। पेंगुइन को समंदर के अंदर तैरते हुए ऐसा लग रहा है कि इट लुक्स लाइक चिकन इनसाइड द वाटर। या ये देखो, ऐसा लग रहा है कि चिकन जो है पानी के अंदर तैर रहा है। दे आर वेरी क्यूट। अब हम लोग जो है नए सेक्शन में आ गए, और इस सेक्शन का नाम है अमेज़न सेक्शन। ये पूरा का पूरा इन लोगों ने एक जंगल बनाया हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत, ऐसे लग रहा है कि हल्की हल्की बारिश हो रही है। इट्स रियली नाइस। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर मछलियाँ भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी, और ऊपर ये सारा फॉरेस्ट है। आगे चलते हैं, देखते हैं, ऐसे लग रहा है कि आप किसी फॉरेस्ट के अंदर हैं, और साथ मछलियाँ भी आप यहाँ पर देख सकते हो। वेरी नाइस, वेरी वेल ऑर्गेनाइज।
तो दोस्तों इस बहुत बड़े एक्वेरियम का जो लास्ट सेक्शन था वो था अमेज़न सेक्शन, और अब हम लोग जो हैं बाहर आ गए हैं। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये इस्तांबुल अगर आए तो इस्तांबुल का एक्वेरियम जरूर विजिट करें, आपको बहुत मजा आएगा। पर बंदे की टिकट 500 तुर्की लिरा है, लेकिन इट्स वर्थ। इस तरह की चीज मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी, ऐसी मछलियाँ, ऐसा इन्वायरमेंट, इट वॉज रियली वेरी नाइस फॉर मी। मैंने वाकई ही बहुत इंजॉय किया। डिड यू एंजॉय? यस। डू यू फील लाइक पेइंग 500 इज वर्थ हियर? No. Is it expensive? Yeah, okay. In my case, I feel like I have never seen something like this, this atmosphere and this kind of fish. I've never seen penguins. Yeah, never seen penguins. So far. Did you enjoy? Wow, this can be really nice activity in Istanbul. So now actually we are going to have a dinner and then we will go back. So I hope you also guys, you all of you enjoyed watching us. You can like and before going, dil khol kar machao shor. Aur agar koi tumhe roke, usse kehna khamosh. Thank you very much for watching, guys. Take care. Sure. Out. Look at these beautiful girls. Thank you for coming, everyone. Peace out of this. Now I will have a dinner with these 4 beautiful fish. Thank you for inviting us, Jasir. No. I will not pay.